अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं आज भी प्रदेश के 7 जिलों विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना और अशोकनगर में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में यहां 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है, जबकि भोपाल, राजगढ़, बैतूल, खंडवा, देवास, शाजापुर सहित 21 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, खरगोन, धार, उमरिया के साथ 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 33 घंटों में रायसेन, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर और पांडुना सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। करीब 25 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश सिवनी में 20.6 सेंटीमीटर, मलांजखंड में 16.3 सेंटीमीटर, मंडला में 12.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट, मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि पिछले 24 घंटों के दौरान हमने बताया था, उड़ीसा के आसपास एक डीप डिप्रेशन सक्रिय था जो उड़ीसा कोस्ट को पार करते हुए आज सुबह ये उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे लगे हुए आंतरिक उड़ीसा के क्षेत्रों में डिप्रेशन के रूप में सक्रिय है। उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, खासकर जबलपुर, नर्मदापुर और भोपाल संभाग के कई इलाकों में डीप कन्वेक्शन रेड और येलो कलर में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा का दौर जारी है। और अभी आप अगर आप प्रेस रिलीज में देखें जो आज हमने इशू किया है, वहाँ पे जो मानसून ट्रफ का पोजीशन है ये राजस्थान के हिस्सों से होता हुआ मध्य प्रदेश में गुना और उमरिया से होकर ये डिप्रेशन के सेंटर से गुजर रही है। साथ में ऑफशोर ट्रफ भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। एक चक्रवाती घेरा गुजरात के पास है। कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी से काफी ज्यादा नमी आ रही है और साथ में अरब सागर से भी हवाओं का रुख बारिश के लिए फेवरेबल बना हुआ है। और इसी के चलते अगर आज आप अगले 24 घंटे की वार्निंग मैप की बात करें तो कई जिलों में बेल मार्क लो प्रेशर एरिया में थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां वो बनी रहेंगी। मध्य क्षेत्र में जो है भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन के जो लगे हुए हैं वहां पे कई जगहों पे रेड और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जहां पे वेरी हैवी टू आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावनाएं रहेंगी। 12 तारीख से जरूर सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा, हालांकि चक्रवाती घेरे के रूप में रेमिनेंट में ये उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बना रह सकता है और मध्य प्रदेश के बीच के लगभग सभी हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं अति भारी वर्षा। और 13 और 14 सितंबर को भी यही क्रम लगभग माने सागर संभाग, भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग ये मेन रहेगा, जहां पे 13 से 14 सितंबर के बीच भी भारी बारिश की संभावना है और कहीं कहीं पे अति भारी बारिश की संभावना है। राज्य के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, शिवपुरी, ग्वालियर, जबलपुर, दमोह, टीकमगढ़ सहित अन्य जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि भोपाल, सीहोर, हरदा, शाजापुर, मंदसौर, नीमच आदि जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़ सहित 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, दमोह, निवाड़ी सहित 14 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी है। विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, श्योपुर कलां, सतना, उमरिया और डिंडोरी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।